हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। और इस ब्लॉग में मैं बताऊंगा कि ज्वाला गणपति मंदिर के बारे में। ठीक है, अभी हम रास्ते में हैं तो वहां जाके आपको पूरी जानकारी मैं दूंगा। चार से हम निकले हैं तो जाते हैं टिटवाला गणपति मंदिर। सो लेट्स गो दोस्तों। टिटवाला मंदिर के रास्ते में हम रुके हैं क्योंकि रास्ते में बहुत अच्छा नज़ारा मुझे देखने मिला है, इसलिए मैं सोचा कि आपको भी दिखा दूँ। आप ही देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी अच्छी नदी बह रही है, काफ़ी अच्छा दृश्य है। तो आप ये रास्ते में अगर आएंगे तो 2 मिनट के लिए रुक जाना। फाइनली दोस्तों, आफ्टर अराउंड 1 आवर वी फ्रॉम शार्ड वी अप्रोच द टिटवाला मंदिर। हम टिटवाला मंदिर लगभग 1 घंटा हमें गाड़ी पे लगा यहाँ पे पहुँचने के लिए, और फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन टिटवाला मंदिर पहुँच चुके हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे टिटवाला मंदिर येलो कलर का जो भी है वहाँ तक, वो तो पूरा टिटवाला मंदिर ही है। और मंदिर के सामने ही लोग यहाँ पे सेल्फी वगैरह ले रहे हैं। मंदिर अंदर से कैसा है हम देखते हैं, फिर आपको बताते हैं। और नए साल में मैं आपको कुछ अच्छा दिखाना चाहता था, इसलिए मैं आपको टिटवाला मंदिर लेके आया हूँ। तो देखते हैं टिटवाला मंदिर का अंदर का दृश्य। तो चलो दोस्तों, गणपति का दर्शन करने के लिए काफ़ी लंबी लाइन है, तो वीडियो में बने रहे। तो दोस्तों, हम मंदिर के पहले माले से अभी लगभग ग्राउंड फ्लोर पे आए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी भीड़ है। महागणपति के बारे में सारी जानकारी, सारा इतिहास आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो फाइनली दोस्तों, 2 घंटे लाइन में लगने के बाद हमने मंदिर का दर्शन कर लिया है अंदर से। और अंदर से भी काफ़ी अच्छा और काफ़ी सुंदर मंदिर है। गणपति की मूर्ति भी काफ़ी अच्छी सुंदर है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए हम एग्जैक्ट आपको मूर्ति का जो दृश्य है वो नहीं दिखा पाएंगे। फिर भी हमने कुछ कुछ दृश्य आपको दिखाने की कोशिश की है। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ थी, काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आज शनिवार के दिन यहाँ पे आए थे नए साल में भी, तो इसलिए हमको काफ़ी वक्त लगा और उसके हिसाब से हमने ये वीडियो बनाया है। तो बस मैं आखिर में अपना ये वीडियो एंड कर रहा हूँ।
अगर आप मुंबई से बिलोंग करते हो और आप यहाँ आना चाहते हैं तो कसारा आसनगांव और टिटवाला ट्रेन पकड़ के आप यहाँ पे आ सकते हैं और टिटवाला स्टेशन उतर के बस 10 मिनट की वॉकेबल डिस्टेंस पे है यहाँ पे और रिक्शा वाले को बोल के आप ऑटो रिक्शा वाले को बोल रहे 10-20 रुपये जो भी है वो लेके आपको यहाँ पे छोड़ देगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को क्लिक करना, ठीक है। तो और कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ताकि आगे के वीडियो में उस तरह से आपके लिए बना सकूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।